दोस्तों, ये बात तो आप भली भांति जानते होंगे कि टक्कर सबसे भयंकर तभी होती है जब दो बराबर की चीजें आपस में टकराती हैं, जब दो बड़ी टीमें आपस में खेलती हैं। यदि किसी पहाड़ से कोई गाड़ी टकरा जाए तो पहाड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गाड़ी के पर खच्चे उड़ जाएंगे। तो ये पहाड़ के लिए कोई भयंकर टक्कर या बराबरी का मुकाबला नहीं हुआ। ऐसे ही जब कोई उल्का पिंड किसी ग्रह से टकराता है तो उल्का पिंड के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पर ग्रह की मूल दशा में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब आप सोचिए, यदि उल्का पिंड से उल्का पिंड टकराए तो टक्कर कैसी होगी? अगर हमारी धरती से मंगल या शुक्र ग्रह टकरा जाए तो दोनों ही ग्रह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएंगे। ऐसे ही यदि किसी तारे से कोई तारा टकरा जाए तो आप कल्पना कीजिए कितनी भयंकर तबाही का नजारा होगा। और यदि मैं कहूं कि हमारे सूर्य से कोई तारा टकराने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। यानी एक सौरमंडल से दूसरा सौरमंडल टकराने की बात हो रही है, पर इसकी संभावना 33% है, क्योंकि तारे तीन तरह के होते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इस आने वाले संकट के साथ साथ तारों के कुछ प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं, और कौन है ये वंडरिंग स्टार जो आ रहा है तबाही मचाने। आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य, और ऐसी वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार केवल हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में ही 300 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर स्टार्स हमारी सूर्य की तरह ही एक सोलर सिस्टम से बंधे हुए हैं, एक सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं, जहां हमारे पृथ्वी जैसे कई ग्रह उनके चक्कर लगाते हैं। वहीं कुछ तारे बाइनरी स्टार्स होते हैं, जहां दो तारे एक कॉमन पॉइंट में एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। पर वहीं वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तारों की भी खोज की है जो किसी सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं होते और इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसे ही भटकते रहते हैं। ब्रह्मांड में भटकते तारों को वंडरिंग स्टार्स, रग स्टार्स यानी आवारा तारा भी कहा जाता है। ये तारे किसी विशाल ब्लैक होल के संपर्क में आने या अपने बाइनरी स्टार के शक्तिशाली ग्रेविटी की वजह से अपने सोलर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। ये रग स्टार्स बेहद ही खतरनाक होते हैं, जो किसी भी सोलर सिस्टम में प्रवेश कर वहां पर भारी तबाही मचा सकते हैं। कई साल तक किए गए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे भटकते हुए तारे का पता लगाया है जो आज से केवल 70,000 सालों पहले हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन यानी ओर्ट क्लाउड से होकर गुजरा था, जिस दौरान इसकी हमारे सूर्य से दूरी महज 1 लाइट ईयर से भी कम थी। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि आने वाले कुछ लाख सालों में ऐसा ही एक और तारा हमारे सौरमंडल से 1 प्रकाश वर्ष की भी कम दूरी से होकर गुजरेगा, जो कि हमारे सौरमंडल में भारी तबाही मचा सकता है। आवारा तारे या वंडरिंग स्टार हमारे ब्रह्मांड में भटक रहे ऐसे तारे होते हैं जो कि किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल इंपैक्ट से बाहर होते हैं। आमतौर पर ऐसे तारे किसी ब्लैक होल के शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स के संपर्क में आने की वजह से या फिर किसी दूसरे तारे के साथ हुए ग्रेविटेशनल खिंचाव की वजह से तेज गति से एक्सेलेट होकर इंटरस्टेलर स्पेस में भटकना शुरू कर देते हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे सौरमंडल में मौजूद करीब 30-40% तारे ऐसे ही वंडरिंग स्टार हो सकते हैं। कई साल तक किए गए अध्ययनों में वैज्ञानिकों को पता चला कि हमारे सौरमंडल से करीब 150 लाख सालों के इतिहास के दौरान करीब 700 तारे हमारे सौरमंडल से कम 15 लाइट ईयर दूर से होकर गुजरे हैं, जिनमें से करीब 20 तारे हमारे सौरमंडल से केवल कुछ लाइट ईयर की दूरी से होकर गुजरे हैं, जो कि हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन यानी कि ओर्ट क्लाउड में कोई हलचल पैदा करने में समर्थ है। साथ ही इनमें से कुछ भटकते तारे हमारे सौरमंडल के इतने पास आ जाते हैं कि इन्हें रात में आसमान में खुली आंखों से भी आसानी से देखा जा सकता है। सौरमंडल में दाखिल हुआ आवारा तारा यानी थग स्टार इन सोलर सिस्टम। वैज्ञानिकों के एक दल ने ऐसे एक भटकते हुए तारे का पता लगाया जिसे स्कोल्स स्टार नाम दिया गया। इस तारे की खोज 2013 में चिली के यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी की मदद से की गई थी, जो कि कभी एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा हुआ करता था। यह एक डिम रेड ड्वार्फ स्टार है जो कि वर्तमान समय में हमसे करीब 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मोनोसेरस कॉन्स्टिलेशन में मौजूद है। इस तारे में कोई प्रॉपर साइड टू साइड मूवमेंट नहीं होने की वजह से वैज्ञानिक कई सालों तक इसकी खोज कर पाने में नाकाम रहे थे, पर कुछ सालों तक किए गए अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों के एक दल ने आखिरकार इसे खोज निकाला। जब वैज्ञानिकों ने इसके मूवमेंट का अध्ययन किया तो उन्हें पता चला
कि तारा काफी तेज गति से हमसे दूर जा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने जरूरी डेटा जुटाकर इस तारे के हजारों साल पहले की स्थिति और उसके ट्रेजेक्ट्री का पता लगाने की कोशिश की। वैज्ञानिकों ने इसके मौजूदा लोकेशन और स्पीड को देखते हुए अनुमान लगाया कि आज से करीब 70,000 साल पहले तारा हमारे सौरमंडल से केवल 52,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की करीबी से होकर गुजरा था। अनुमान के लिए मैं केवल आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल के सबसे करीब में मौजूद स्टार सिस्टम प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो हमारे सौरमंडल से करीब 4.2 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूरी कितनी कम है। यह एक डिम रेड ड्वार्फ स्टार है जिसका मास हमारे सूर्य का मात्र 15% ही है, पर इसके बावजूद यह अपने क्लोजेस्ट अप्रोच के दौरान रात में हमारे आसमान में काफी चमकीला ऑब्जेक्ट रहा होगा, जिसे हमारे पूर्वज आसानी से नग्न आंखों से देख सके होंगे। अपने क्लोजेस्ट अप्रोच के दौरान यह आवारा तारा हमारे सौरमंडल के आउटर मोस्ट रीजन यानी ओट क्लाउड के करीब से होकर गुजरा था। हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन से गुजरने के दौरान इसने इस रीजन में काफी उथल पुथल मचाई होगी, जिसकी वजह से कई आइस कॉमेट्स हमारे इनर सोलर सिस्टम में दाखिल हो गए होंगे और इसका कुछ असर हमारी पृथ्वी पर भी पड़ा होगा, जिसकी वजह से यहां कई मेटीरोइड शॉवर देखे गए होंगे। इस खोज के बाद इस दल के अन्य वैज्ञानिकों ने ऐसे ही और भटकते हुए तारों की खोज की और उनका अध्ययन करने का फैसला किया। इस खोज के लिए उन्होंने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के गाइया सैटेलाइट की मदद ली, जो कि एक ऐसा सैटेलाइट है जिसका काम हमारे आसमान में मौजूद लाखों तारों के पोजीशन और करेक्टरिस्टिक का अध्ययन करना है। इस सैटेलाइट द्वारा जुटाए गए शुरुआती आंकड़ों से वैज्ञानिकों को पता चला कि भविष्य में ही ऐसे कई तारे हमारे सौरमंडल में दाखिल हो सकते हैं, पर इनमें से एक तारा जिसे ग्लीज 710 नाम दिया गया है, वह हमारे सौरमंडल के सबसे करीब से होकर गुजरेगा, जो पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। यानी सौरमंडल के साथ साथ धरती को भी तबाह करने आ रहा है एक तारा, ग्लीज 710 रग स्टार इन सोलर सिस्टम। ग्लीज 710 एक भटकता हुआ तारा है जो हमारे सौरमंडल से करीब 63 लाइट ईयर्स की दूरी पर सेरपेंस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, पर यह तारा बेहद ही तेज गति से हमारे सौरमंडल की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि आज से करीब 150 लाख सालों बाद यह तारा हमारे सौरमंडल के करीब से होकर गुजरेगा। वैज्ञानिकों द्वारा जुटाए गए डेटा के अनुसार यह तारा हमारे सूर्य से केवल 10,000 से 15,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 0.3 लाइट ईयर से भी कम दूरी से हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन यानी ओट क्लाउड से होकर गुजरेगा। यह हमारे सूर्य की तरह ही एक मेन सिक्वेंस स्टार है जिसका मास हमारे सूर्य का करीब आधा है। ऐसे में अपने क्लोजेस्ट अप्रोच के दौरान यह तारा हमारे आसमान में दूसरे तारों से काफी ज्यादा चमकदार नजर आएगा, जिसे आसानी से नंगी आंखों से देखा जा सकेगा। इसके मास और आकार को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि सौरमंडल से सबसे नजदीक से गुजरने के दौरान यह तारा ओट क्लाउड में काफी उथल पुथल मचा सकता है, जो कि यहां मौजूद कई आइस कॉमेट्स के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर सकता है, इनर सोलर सिस्टम यानी हमारी पृथ्वी की ओर भेज सकता है, पर इनके डिस्टेंस को देखते हुए इन्हें ये दूरी तय करने में लाखों सालों का समय लग सकता है, पर ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद इंसानों के पास काफी समय होगा कि वो इस खतरे का सामना कर सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।